वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। सो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे ज्यादा फोकस आपको करना है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी थे, कौन थे? सेक्रेटरी, और चेम्सफोर्ड वॉइसराय। जैसे मॉर्ले मिंटो लास्ट एक्ट में आपको पढ़ाया, अगर नहीं देखा है आपने तो वो भी देख लीजिए, पहले हम लोग पूरी पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं। तो ऐसे ही मॉर्ले उसमें कौन थे? सेक्रेटरी, मिंटो वॉइसराय। इसलिए सेक्रेटरी बड़ा होता है वो पहले रहेगा, वॉइसराय छोटा है वो बाद में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये भाई ब्रिटिश कैबिनेट का ही मेंबर था। अब एक चीज समझो, इस एक्ट में सबसे पहले कॉन्सेप्ट एक समझ लो, डायार्की। ड्यूअल गवर्नमेंट, क्या बोलते हैं इसको? ड्यूअल गवर्नमेंट। आई होप आप नोट कर रहे होंगे जिससे आपकी मेहनत कम हो और आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो डायार्की का मतलब होता है ड्यूअल गवर्नमेंट। अब डायार्की में क्या हुआ, जैसे प्रोविंशियल, आपने लास्ट क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, प्रोविंशियल काउंसिल थी और एक सेंट्रल काउंसिल थी, है ना, एक सेंट्रल काउंसिल थी और एक थी प्रोविंशियल काउंसिल, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में प्रोविंशियल काउंसिल के और सेंट्रल काउंसिल के सब्जेक्ट अलग अलग कर दिए लॉ बनाने के। जो लॉ बनाने के सब्जेक्ट थे, मतलब जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, आज भी देखो ना वही है, स्टेट लिस्ट है जिसमें कुछ कानून स्टेट बनाता है, सेंटर लिस्ट है जिसमें कानून सेंटर बनाता है। तो वैसे ही करा, सेंट्रल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट के कानून बनाने की शक्तियां डिवाइड कर दी। बस एक काम और करा जिसकी वजह से डायर्की बोला गया, ये चीज, ठीक है, वो क्या थी, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी टू पार्ट में डिवाइड करा, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। अब जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था वो देखता था गवर्नर, कौन देखता था? गवर्नर, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर। अब ये मिनिस्टर कहां से होंगे? यही जो काउंसिल से सेलेक्ट होके आए हैं। और रिजर्व सब्जेक्ट भी गवर्नर देखेगा, पर विद द हेल्प ऑफ किसके? एग्जीक्यूटिव काउंसिल, विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो गवर्नर देखेगा विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर, तो भैया मिनिस्टर तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये भैया एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर नॉमिनेट होते थे, तो ये नॉन रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये क्या होंगे? नॉन रिस्पॉन्सिबल, आपको ये याद रखना है, तो ठीक है। इसी को डायार्की बोला गया, ना कि इसको, ठीक है, वो मैंने समझाने के लिए बताया। तो प्रोविंस में डायार्की कब लगी? 1919 में। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भैया प्रोविंसेस में डायार्की कब लगी, तो 1919 में। अब इसी डायार्की को सेंटर में लगाया जाएगा 1935 में, चाहे तो अभी नोट कर लो, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डायार्की सेंटर में आ जाएगी, अभी प्रोविंसेस में लगाई गई। हमेशा एक्सपेरिमेंट छोटे लेवल से किया जाता है, तो इसलिए पहले प्रोविंसेस में लगाई। और डायार्की है क्या? डायार्की है भैया सब्जेक्ट को ट्रांसफर और रिजर्व में कर देना, मतलब प्रोविंस के लिए दो लोग लॉ बना रहे हैं, एक गवर्नर की काउंसिल और एक गवर्नर के मिनिस्टर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसी को बोला गया द्वैध शासन या ड्यूअल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये था पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज इसमें ये रखा गया कि भैया डायार्की तो यहां लगा दी, और पहला क्लॉज तो ये था सेंट्रल सब्जेक्ट और स्टेट सब्जेक्ट को अलग अलग करा गया, और जो स्टेट सब्जेक्ट है मतलब प्रोविंशियल, उसको फर्दर दो पार्ट में भाग कर दिया गया। जो आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है, एक हाई कमीशन, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन, एक नया ऑफिस बनाया गया, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन में। लंदन में एक हाई कमीशन, जैसे आप देखते हो ना दूसरे देश के राजदूत यहाँ रहते हैं, ऐसे ही ब्रिटिशर्स जो थे उनका राजदूत एक भारत के लिए काम करता था। अब इसकी सैलरी इंडिया ही से जाती थी, इसकी सैलरी इंडिया से जाती थी। पहले क्या था, सेक्रेटरी की सैलरी इंडिया ही से जाती थी, बट लखनऊ पैक्ट में बहुत ज़्यादा अपोज किया गया था, वो मैं मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ा दूंगा। अभी आप इतना जान लो, सेक्रेटरी की सैलरी पहले इंडिया से जाती थी, अब वो ना जाके हाई कमिश्नर की जाने लग गई थी, ठीक है। तो आपको वो भी नहीं याद रखना, तो याद रख लो हाई कमीशन ऑफ इंडिया कब बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, ठीक। चौथी चीज क्या आई भैया, बाई कैमरलिज्म बना दिया। क्या बना दिया? बाई कैमरलिज्म।
बाइकैमरलिज्म मतलब भैया इसको हिंदी में भी हाई कमीशन बोलते हैं, ध्यान रखना। तो बाइकैमरलिज्म का मतलब है भैया दो, एक लोकसभा राज्यसभा जो आप देखते हो, मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस, एक ब्रिटिश मॉडल पे इसको तैयार कर दिया, काउंसिल ऑफ स्टेट ऐसे ही जो चलता है ना। तो बाइकैमरलिज्म चलाया, और भैया एक और चीज डाली, डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या कर दिया? डायरेक्ट इलेक्शन मतलब आप जाके वोट के तहत इसके मेंबर जो है वोट द्वारा चुने जाएंगे, इसके मेंबर वोट के द्वारा चुने जाएंगे। पर क्या सबको वोटिंग का राइट मिला? नहीं मिला, सिर्फ 10% लोगों को। मतलब किस बेसिस पे? जो टैक्स देता था ज्यादा, या जिसकी प्रॉपर्टी ज्यादा थी उसको वोट देने का अधिकार था, या जो एजुकेटेड था उसको वोट देने का अधिकार मिला। ठीक है, एक ये क्लॉज हो गया आपका। फिर नेक्स्ट क्लॉज इंपॉर्टेंट जो है वो ये था भैया, पब्लिक सर्विस कमीशन। आज जो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना करी 1926 में संघ लोक सेवा आयोग, मतलब जो लोक सेवा आयोग है कह सकते हैं, उसमें यूनियन हटा दो, तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में कर दी गई इसी के द्वारा। और ये एक्ट याद रखिएगा इंप्लीमेंट 1921 में हुआ था, आया था 1919 में, इंप्लीमेंट 1921 में हुआ। खैर आपको ये पॉइंट याद रखना है, पब्लिक सर्विस कमीशन की कब स्थापना हुई? 1926 में। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट है, सेपरेट इलेक्टोरेट जो था, सेपरेट इलेक्टोरेट उसको और बढ़ा दिया गया, उसको क्या कर दिया गया? और बढ़ा दिया गया, मतलब क्रिश्चियन के लिए अलग हो गया, सिख के लिए अलग हो गया, एंग्लो इंडियन के लिए अलग हो गया, यूरोपियन के लिए अलग हो गया, है ना, मतलब इसको और बढ़ाता चला जा रहा था। ठीक है, और भैया एक जो लास्ट पॉइंट जिसके लिए बवाल हुआ मेन, वो ये था कि 10 साल बाद 10 ईयर्स लेटर एक स्टैट्यूटरी बॉडी बननी थी। क्या बननी थी? स्टैट्यूटरी बॉडी जो देखेगी कि ये लॉ ठीक काम कर रहा है कि नहीं, है ना। तो मतलब आप एक चीज समझो, 1919 में बना, 10 साल बाद मतलब 1929 में आना चाहिए था साइमन कमीशन को, है ना। तो हम बात कर रहे हैं साइमन कमीशन की, किसकी? साइमन कमीशन की, साइमन गो बैक, पर वो आ जाता है 1927 में ही, याद रखिएगा साइमन कमीशन 1927 में ही आ जाता है, और प्लस उसमें कोई इंडियन मेंबर भी नहीं होता है, इसीलिए बवाल होता है। वो अभी मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में उसको, अभी आप ये याद रखो। फिर से बताता हूँ, मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहला पॉइंट, सेंट्रल सब्जेक्ट प्रोविंशियल सब्जेक्ट की लॉ मेकिंग पावर को अलग कर दिया, कुछ सब्जेक्ट में सेंट्रल लॉ बनाएगा, कुछ में प्रोविंशियल। दूसरा, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी फर्दर दो पार्ट में करा गया, रिजर्व सब्जेक्ट ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट में गवर्नर काम करेगा अपने मिनिस्टर के साथ जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे, और गवर्नर रिजर्व सब्जेक्ट में जो लॉ गवर्नर बनाएगा वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ बनाएगा, वो नॉन रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, इसी तरह एक प्रोविंस के लिए दो जगह से सरकारें चल रही, देखो दो जगह से लॉ मेकिंग बॉडी है, इसीलिए इसको बोला गया डायरकी। कहां पे? प्रोविंसेस में। ठीक है, बाइकैमरलिज्म बनाया गया, लोकसभा राज्यसभा है ना, अपर हाउस लोअर हाउस, डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस करा गया पर सबको ना देके टैक्स प्रॉपर्टी और एजुकेशन के बेस पे इंट्रोड्यूस करा गया। पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई 1926 में, सेपरेट इलेक्टोरेट को और बढ़ाया गया, मतलब अभी तक हिंदू मुस्लिम में ही था, है ना, मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म में, उसको और बढ़ा के क्रिश्चियन सिख एंग्लो इंडियन यूरोपियन सब में एक्सटेंड करा गया। और एक वैधानिक बॉडी मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की घोषणा की गई कि 1928 में भैया आनी चाहिए 1929 में, 10 साल बाद, पर वो पहले ही आके 1927 में आ गई, है ना, इसीलिए इसमें हुआ साइमन कमीशन के लिए प्रोटेस्ट, वो आगे देखेंगे। तो आपको ये डायरकी जरूर याद रखनी है, ठीक है, और आपको याद करना हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन लंडन कब आया? 1919 में। डायरकी कब आई? 1919 में। केंद्र में कब आएगी? 1935 में। वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया, मेरा एफर्ट थोड़ा सा पसंद आया होगा, कोशिश मेरी ठीक लगी आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।